चलिए दोस्तों, अपना खाना देखिए आ गया है। चिकन और चावल काफ़ी बढ़िया पीस आया है। दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गया और रास्ते में ही मैं जब गुडली से निकला था तो देखा था अपना दो स्टड बोल्ट चक्का वाला टूट गया है। भाई लोग मिस्त्री से ड्रम नहीं निकाला था, निकालने में मेरा देखिए हाथ कुछ आ गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो भैया जी लोग, कल के ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि गाड़ी को हम लोग लगभग 10 बजे लोड किए थे डीबी पावर में, उसके बाद 2 घंटे कंटिन्यू मेहनत करके बोले थे जाएंगे गुडली, लेकिन आपको बताया था कि भंडार में शायद एक्सीडेंट हुआ है। तो रियलिटी में वो एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, शायद बाइक और आदमी स्पॉट डेड कर गया था। एक्सीडेंट का रीज़न ये था दोस्तों कि जैसे भंडार में जो अडानी का पावर प्लांट है उसमें कल पता नहीं क्या था, खाली नहीं हो रहा था गाड़ी की क्या, जिसकी वजह से पूरा मेन रोड में लाइन लगा हुआ था बहुत दूर तक गाड़ी भंडार से आगे तक, तो जिसकी वजह से पूरा रोड जाम हो जाता है, एक साइड का पूरा ब्लॉक हो जाता है। और बाइक वाइक वाला शायद ध्यान नहीं दिया, किसी ट्रक के पीछे में जाकर के मार दिया। तो भैया इस पर थोड़ी स्ट्राइक होगा क्योंकि बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। वही अगर कोई छोटा मोटा प्लांट होता है या ऐसी हो जाता है तो बहुत बड़ा एक्शन हो जाता है कि ये स्ट्राइक करो, प्लांट को बंद करो, रोड में गाड़ी को खड़े कर दिए, पूरा लाइन लगा दिए। लेकिन अडानी को कौन बोलने वाला भैया। तो देखा था मैं बाइक वाले बेचारे का जूता उता भी वहीं पर पड़ा था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसको सब लोग लेकर के गए, इलाज विलाज हुआ, पता नहीं बचा कि नहीं बचा, बहुत ही खतरनाक लेकिन एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से हम लोग निकले, फिर 1 बजे रात को गुडेली पहुँचे थे और सोए हैं। फिर सुबह 7 बजे उठ करके खाली वाली करके फिर से लोड किए हम लोग अपना गाड़ी को और आज अपना फिर से सफ़र अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी रायल्टी वगैरह मिल गया है और अपना देखिए इधर नाश्ता में चना है और केला वगैरह सब कुछ है, तो अभी यही सब अपना नाश्ता में हो जाएगा, उसके बाद फिर उधर ही कहीं खाना खाएंगे। आज अच्छा टाइम है, अभी समय का देखिए हो रहा है, हाँ 9:30 भी हो रहा है, तो आज मस्त टाइम है। कल तो 26 जनवरी को जैसे रायगढ़ में पूरा गाड़ी लोग को रुकवा के रखा था, जाम था, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिलेगा तो सटासट आज निकलेंगे फटाफट और खाली करेंगे जा करके। और गुडेली कल से 10 बजे तक हम लोग को आ जाना है, क्या है कि डेली 12-1 बज जा रहा है आते आते तक, तो सोच रहे हैं आज पहले खाली करके टाइम से गुडेली आ जाएँ, उसके बाद अपना टाइमिंग पकड़ लें। तो चलिए आज का सफ़र फिर से शुरू करते हैं। अपना एक गाड़ी आगे में टायर उसका शायद फट गया है तो उसको जेक वेक दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना खाली करने के लिए। चलिए दोस्तों, मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा इसके टायर के लिए क्योंकि मस्त टायर दुकान पर लगा करके बंदा खड़ा है, तो इसको जेक यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसका तो हो गया मोए मोए, पुराना गाड़ी है और भगा रहा है खूब, तो भाई क्या होगा, टायर भी पुराना था बेचारे का, ध्यान नहीं दिया होगा रात में। तो चलते हैं अब अपन लोग फटाफट रायगढ़ क्रॉस करते हैं, अभी रुकना पड़ता तो आधा घंटा कैसे भी टाइम पास हो ही जाता। तो भैया लोग, अगर आपको आपके गाड़ी का ट्रॉली बनवाना है, ट्रेलर का, फट्टा ट्रेलर का, कुछ भी का, तो जगदम्बा में आ जाने का मेरी जान। यहाँ पे पूरा एकदम हर तरह का ट्रॉली बनता है, यहाँ गाड़ी देखिए पार्किंग में नया नया कितना आकर के खड़ा है ट्रॉली बनने के लिए, कितना लोगों ने ट्रॉली लग भी गया है। इधर कंपनी है इसका, बहुत ही बड़ा कंपनी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको खुलते हुए लेकिन इतना जल्दी फेमस हो गया ना, ट्रॉली बहुत बढ़िया बनाता है, देखिए एकदम चकाचक ट्रॉली बना करके रखा है। दोस्तों चलिए रायगढ़ क्रॉस कर लिए और जोरापाल भी पार कर लिए, यहाँ पे जगदम्बा का डाला बनता है, उसके आगे के बाद पूरा रोड खाली रहता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा इनका समय, अब मेरा समय हुआ यहाँ से ख़त्म, अब यहाँ से खरसिया तक लेकर गाड़ी चलेंगे, ये पूरा हाईवे है। तो चलिए आराम आराम से अब लेकर के चलिए, बस में बैठा हूँ बगल में गाइडलाइन करने के लिए, बाकी का सब कुछ काम इनका है। चलिए बहुत जल्दी फिर भी सीख गए इस बार, क्योंकि हाईवे रोड में गाड़ी चलाना तो इधर खाली खाली रहता है, देने बनता है गाड़ी चलाने के लिए। तो भाई लोग कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को भी गाड़ी सीखना है, क्या करूँ क्या करूँ, तो बस कहने और पूछने से नहीं होगा भाई, सीखना है तो फटाफट से सीखिए। क्या है कि जब मैं गाड़ी लाइन में आया था तो 4 दिन गाड़ी में रहा, उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं घर जाने वाला था। तो मेरे जो उस्ताद हैं जागीर चाचा, जो मेरे गाँव के बगल के थे, पापा के दोस्त हैं, तो वो बोले कि बेटा तुम भले लाइफ में गाड़ी मत चलाना लेकिन कम से कम सीख लो, अगर सीखे रहोगे तो ज़िंदगी में अगर कुछ काम नहीं है तो लास्ट में तुम आकर के ट्रक चला करके कम से कम 30,000 रुपये 25,000 रुपये महीना कमा सकते हो।
तो मैं भी सोचा कि चलो घर पे खाली बैठा था उस टाइम 12th ख़त्म करके, तो सोचा चलिए कर लेता हूँ। तो आ गया, फिर मैं धीरे धीरे सीखने लगा, फिर वो गाड़ी देने लगे तो मेरे को भी मन लगने लगा, और सीखते सीखते देखिए आज मेरे को कितना काम आया। ये इसी से मैं पूरा बहुत अपना घर के लिए कुछ कर चुका हूँ। सिस्टर का शादी अकेला किया हूँ बस गाड़ी चला करके ही। तो काम कोई भी बुरा नहीं होता है, नॉलेज कहीं से भी मिले भाई लोग सीख लेना चाहिए। मैं हमेशा आप लोग को यही चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो मेरा ये मोटिव रहता है कि आप लोग कुछ सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप चिकन मटन बनाते हुए ही देखिए और बस ऐसे ही इधर उधर देखिए, जो नॉलेज का चीज़ है उसको ज़रूर देखिए। और मेरा हर वीडियो में थोड़ा सा ही नॉलेज मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताता हूँ हर एक वीडियो में। तो अगर आप गाड़ी लाइन से जुड़े हैं या फिर ड्राइवर हैं या कुछ भी है आप, मतलब ट्रक से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड हैं, तो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो भले ही आप मुझे फॉलो कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो कम से कम देखा कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और मेरा भी यही रहेगा मोटिव कि आप लोगों को कुछ सिखाते रहूँ। तो अभी देखिए, अब इनका थोड़ा सा ट्रेनिंग लगभग में हो गया है, अभी 2 महीने और ये रहेंगे तो इनका समझ लीजिए ख़त्म हो जाएगा काम, फिर चलाने लगेंगे ये अपना गाड़ी। अभी क्या है कि जैसे सिटी विटी में इनको दिक्कत हो जाता है, इसलिए सिटी में इनको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता हूँ, बस हाईवे रोड में अभी चला रहे हैं। जब पूरा ट्रेंड हो जाएंगे ना तो चारों तरफ फिर गाड़ी चलाने लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ से फटाफट चलते हैं, हाटी खाली करते हैं गाड़ी को, उसके बाद उधर ही खाना वाना अपना होगा हाटी तरफ ही आज। दोस्तों समय का 12:30 बज चुका है और हम लोग पहुँच चुके हैं छाल, तो खाना यहीं से खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मस्त चिकन चावल अभी खाते हैं मेरी ढाबा पे, बन गया ना खाना, लगाइए चिकन चावल दो जगह। चलिए दोस्तों अपना खाना देखिए आ गया है, चिकन और चावल काफ़ी बढ़िया पीस आया है। देखिए होटल तो है छाल में है जहाँ चिकन चावल मिलता है। दोस्तों अभी हम लोग हाटी से पहले जंगल में देखे रुके हुए हैं, और खाना हम लोग के गाड़ी में देखे बचा था तो सोचे थे ये लोग को खिला दें। ले जाया ले, इसको दे, ये खिला हुआ पांडा है ना। कल रात में हम लोग कैंटीन में खाना लिए थे, वही बच गया था, तो हम लोग सोच के ही रखे थे कि बंदर लोगों को खिलाएंगे। चलिए खा लेगा आप सब, खाओ 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 खाओ। ऐ वहाँ वहाँ आ रहा है मोटा वाला, खा रहा है खा रहा है। अरे वो तो कोई खाने ही नहीं देगा, अकेले खा जाएगा सब। या होशियार कितना है एकदम, देख कैसे रहा है। हाँ उसको भागने दिए, आओ खाओ खाओ। ए अकेला खाएगा, जाओ उधर आ जा। दोस्तों प्लांट पहुंच गए हैं और आज देखिए हम लोग का गाड़ी किधर खाली हो रहा है, क्योंकि 40 mm का ऑर्डर ख़त्म हो गया है, तो आज देखिए पूरा खेत में आए लेकर के इधर से। और अपना गाड़ी भी देखिए यहाँ पे, मतलब मान के चलिए फंस ही चुका है, अगर आगे पीछे करेंगे तो फंस जाएगा, इसलिए इस जगह पर अब खाली करना पड़ेगा गाड़ी को, ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो फंस जाएगा फिर। अभी सही जगह पर है, ये देखिए दब रहा है ये धीरे धीरे। ऐसी एक बार एक्सल टूट गया था मेरा गाड़ी का, ऐसी जगह पे घुसवाया था उस साइड में, लेकिन मना किया है ये माल को अब, और जगह है नहीं इसलिए अंदर घुसा के खाली करना पड़ रहा है। चलिए हो जाना चाहिए खाली मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या होता है।
दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गया और रास्ते में ही मैं जब गुडेली से निकला था तो देखा था अपना दो स्टड बोल्ट चक्का वाला टूट गया है और अभी एक और टूट गया। देखिए तीन स्टड बोल्ट अपना गायब हो गया। अगर एकाक और टूट जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब उधर जाने के बाद ही बनवाएंगे। देखिए पहले से ही थोड़ा क्रैक था, ये धीरे 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 टूट गया। ये भी हल्का क्रैक था टूट गया, ये भी हल्का क्रैक था टूट गया। और लोग भी क्रैक होगा कोई पता नहीं है, धीरे धीरे टूटते जाएगा। तो अब जा करके इसको बनवाएंगे, देखते हैं रास्ते में अगर अभी भैया से बात करेंगे होगा टाइम तो इधर ही बनवा लेंगे कहीं, नहीं तो फिर कल खाली करके गुड़ेली में बनवाएंगे। दोस्तों अभी समय का 3:30 हो रहा है और छाल में हम लोग रुके हुए हैं। वो काम को देखिए अपना करवा ले रहे हैं, भैया से बात हो गया है, बोले कि करवा लो उधर ही, चेंज करवा लेने से ठीक रहेगा। भाई लोग मिस्त्री से ड्रम नहीं निकाला था, निकालने में मेरा देखिए हाथ कुछ आ गया, लेकिन निकाल के ही रहा उसको। चलिए अब काम होने देते हैं, उसके बाद धोएंगे हाथ बढ़िया से। भाई दोस्तों अपना गाड़ी का काम हो गया, 900 रुपये लग गया 3 स्टड बोल्ट का और 200 रुपये ठोकने का ले लिया। तो चलिए अब चलते हैं लोडिंग के लिए। भाई संघर्ष ही जीवन है, थोड़ा सा के चक्कर में ड्रम वो मिस्त्री से निकल नहीं रहा था, मैं सोचा निकाल दूंगा, निकाल तो दिया लेकिन उसके ड्रम के नीचे थोड़ा सा उंगली मेरा चप गया, बड़ा ज़बरदस्त चपा है एकदम। उस टाइम तो पता नहीं चला लेकिन अभी बहुत दर्द दे रहा है। तो गाड़ी में था फर्स्ट एड किट, तो अभी लगा लिए हैं मलहम और बैंडेज क्या बोलते हैं इसको, बैंडेज जो भी बोलते हैं इसको, हैंडोप्लास्ट। तो अब चलते हैं डीवी पावर फ्लाईएस लोड करने के लिए। चलिए कम से कम साथ है, पार्टनर है तो उतना दिक्कत नहीं है, नहीं तो उंगली कटने के बाद इसमें फ्लाईएस में अगर तिरपाल बांधना पड़ता है ना तो बड़ा ही समस्या रस्सियों से खींचने में। तो चलते हैं अब यहाँ से भाई लोग और लोड करते हैं फ्लाईएस। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग डीवी से फ्लाईएस लेकर के गुड़ेली अभी आ गए हैं और हम लोग रायगढ़ में ही रुके, खाना वाना भी खा लिए हैं। तो चलिए भाई लोग आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल फिर से आप लोगों को एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और टाइम से पहुंच गए हैं गुड़ेली, तो चलिए सोते हैं अभी के लिए। बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग भाई लोग।